मेरे इमोशंस और उसका ईगो। कपल्स में एक पार्टनर इमोशनल होता है और एक पार्टनर ईगो वाला, और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो रिश्ते को कमज़ोर करती जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद उस चीज़ की आदत हो जाती है और जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में वो वाली बात नहीं होती जो आपने सोची हुई होती है एक दूसरे के साथ होने से पहले। और ये बड़ी गजब की चीज़ है। मतलब आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचो, एक इंसान अपनी इमोशंस की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से आपसे हर वो चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए सोचोगे, कहोगे, उसको इमोशनली सपोर्ट दोगे। और एक इंसान ईगो में होता है, उसे मालूम भी होता है कि वो गलत है और ये गलती उसने की है, बट फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये करने से उस इंसान के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, तो ये आपको महसूस करना चाहिए, ये आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी गलती के लिए या फिर कुछ आपने ऐसा किया जो शायद उसको बता भी देना चाहिए, तो बता दो यार। मतलब आप साथ में रिलेशनशिप में हो, आप साथ में उसके हमेशा रहने वाले हो, और ये बताने में इतनी झिझक क्यों? और आपका ऐसा कर देना सामने वाले को ना आपकी ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते। और एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, बट एक दूसरे के दिल में नहीं रहते। तो ज़रूरत ये है कि अगर आपका पार्टनर या फिर आप खुद ईगो वाले हैं ना, तो अपने ईगो को अपने रिलेशनशिप से निकाल के बाहर फेंको। तकलीफ आने वाले टाइम में आपको भी हो सकती है इस बात से कि जब आपको ये लगेगा कि आपका पार्टनर जो बड़ा इमोशनल था, अब शायद आपको भी उसके इमोशंस की ज़रूरत है, उसके केयर की ज़रूरत है, उसकी फीलिंग्स की ज़रूरत है, बट आपको उस तरीके से रिवर्ट नहीं मिल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके रवैये ने उसको बदल दिया और उसे बिल्कुल आप जैसा ही बना दिया, और तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप ये सोचोगे कि पता नहीं ये बदल कैसे गया। बदला तो आप ही ने, वो हर वो चीज़ कर रहा है जो आप उसके साथ करते थे। ऐसा नहीं कि इमोशनल सिर्फ लड़कियां होती हैं, इमोशनल लड़के भी होते हैं, और ईगो होता हर किसी में है, बट जब ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है ना, तो रिश्ते में खटास आ जाती है। फिर जो चीज़ें, जो बातें, जो डिस्कशन है आपका पार्टनर आपसे करना भी चाहता है ना, फिर भी वो आपके पास नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि कोई फायदा नहीं है। कुछ कह भी दोगे ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और स्ट्रांग करो, और अगर आप में ईगो है तो प्लीज़ अपने ईगो को थोड़ा साइड करो और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म करो अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने साथ रहने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि आप अकेले बहुत कमज़ोर थे, अकेले बहुत परेशान थे। आपने किसी के साथ का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि आप चाहते थे कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजरे। और अगर ये रिश्ता बन चुका है तो ज़रूरत है उस रिश्ते को संभालने की, और ज़रूरत है उसे सपोर्ट करने की, चाहे वो इमोशनली हो या फिर मेंटली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप महसूस करोगे थोड़े टाइम के बाद कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी रिश्ते में खुश होने के लिए उसके इमोशंस की, उसके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये जब आप रिश्ते में होते हैं तब शायद समझ नहीं पाते, और अगर आपने जिसके साथ आप हो, अगर उस रिश्ते में आपने उसका भरोसा नहीं जीता, तो एक बार जरा सा सोचना कि क्या ये आपकी कमजोरी नहीं है? क्या ये आपने अचीव किया? रिश्ता संभल जाए।
रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, इसलिए जरूरी है कि अगर आपके अंदर ईगो है, आप प्लीज उसे छोड़ दो। गुस्से वाला होना या फिर कुछ भी कभी बोल देना चलता है, थोड़ी नोकझोंक भी होगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, बट अगर आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी।